2 महीने पहले चले जाए ना, तो झुकना भी किसको चाहिए? तो किस बात की नाराजगी है कि इस बेचारी दोकेली को अकेली कर दिया? 2 से 3 होने दो गुलाब, इन फ्यूचर ऐसी गलतियां ना करें। माय चैनल डिंपल व्लॉग्स, तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना जी। झूठी जो है वो पहुंच ही गई है फाइनली कोलकाता। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे को कितने सारे कमेंट आए थे जब मैंने बोला था कि इतने पास तो है, पहले तुम वहाँ तो होकर आ जाओ, फिर गर्मी बहुत आ जाएगी। लेकिन ये जब तो मेरी बात मानी नहीं है, अब वहाँ पर पहुँची हैं तो अभी तो एसी में है, अंदर है, इतना नहीं पता लग रहा है। बहन तुम बाहर निकलो, तुम्हें पता लगे कि गर्मी कितनी है वहाँ पर। इस समय तो भाई बहुत बुरे हाल होते हैं। अब वहाँ पर पहुँच गई है तो इसको पता लग ही जाएगा कि सूर्य कितनी जल्दी निकलता है वहाँ पर, ठीक है। और 4 बजे के आसपास तो वहाँ पर सायकाल भी हो जाती है, फिर ये हैरान होगी। अभी ये फिलहाल पूछ रही है कि इसको कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। तो चलो थोड़ा सा मैं यहीं से इसको समझा भी देती हूँ, बता देती हूँ। तुम हावड़ा ब्रिज चले जाओ, ठीक है, कलकत्ता में काली घाट जाओ, काली माता के दर्शन करके आओ। कलकत्ता का फेमस पुचका खाना बिल्कुल ना भूलना। कलकत्ता में बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट भी होते हैं, वो भी खाना बिल्कुल ना भूलना। कलकत्ता के वहाँ पर आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हो, कलकत्ता के विक्टोरिया वहाँ पर जा सकते हो, है ना। कितना ही कुछ है वहाँ पर, साइंस सिटी देखना बिल्कुल ना भूलना कलकत्ता में। चलिए ये मैंने इसको बता दिया, बस इतना ही बहुत है। बाकी तो दक्षिणेश्वर माता जी के गंगा सागर, वहाँ तो ये जाएगी, अब पता नहीं जाएगी जहाँ। फिर बिल्कुल वैसे ही मुंबई के टाइम पर भी इसने टैक्सी में थोड़ा इधर से उधर घूम के बस वाह वाह वो ही लूट ली थी, भैया हम लोग आए हैं तो बस। यहाँ पर सब लोगों को लग रहा है कि ये अकेली ही है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अकेली वकेली कोई नहीं है ये, मतलब चौकेली है, मुझे 4 है, ठीक है। मैंने कल के ही एपिसोड में आपको क्लियर कर दिया था। भैया आपको एक चीज़ बताऊँ, आप कितने भी ब्रेव बने रहे हो, वहाँ पर तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आने वाली है, ठीक है। और दूसरा मोटू को भी पता है कि वो ऐसे नहीं भेजने वाला अकेला, और छुट्टियाँ भी तो चल रही हैं, वो यहाँ पर रह के क्या करेगा, उसको भी तो ले जाओ, मोटू को भी साथ में, है ना। तो मम्मी या तो ऑलवेज ही मस्त हैं, खुश हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया इतना खर्चा करके आप वहाँ खिचड़ी खाने गए। कईयों ने तो कमेंट भी कर दिए हैं कि देखो जी आप इतना अफोर्ड कर सकते हो वहाँ पर हो तो, है ना। अच्छा जी, वहाँ पर मतलब हमेशा ताज में ही रुकना अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आपने मेंबरशिप ले रखी है यही बात है। मेंबरशिप में मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन मेरे को जितना मर्जी डिस्काउंट, 35% डिस्काउंट मिल जाता होगा ना, फूड पर 20% मिल जाता होगा, इतना ही है ना। अच्छा मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, लेकिन 70 रुपये के जी दूध के वो आपको महंगे लगते हैं, बताओ झूठी, बताओ बताओ बताओ, है ना। एक तो तुम्हारी मैनेजमेंट ही सारी गड़बड़ाहट है ना। तुम दूसरों को मैनेजमेंट सिखाती थी पहले कॉपी पेन लेके, मंथली कैसे सेव करे जाएं पैसे। तुम तो पैसे सेव करने तो दूर की बात है, तुम तो भैया क्या ही बोले, है ना। यहाँ इतना पास था वो कि आराम से तुम ट्रेन में चली जाती, है ना। राजधानी का सफ़र भी कराओ, उनको दिखाओ कि ट्रेनें भी कितनी कितनी सुंदर हैं। अब तो और भी तेजस्वी, और भी पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनें चल पड़ी हैं, मैंने तो राजधानी तक सफ़र किया इसलिए मुझे पता है। तो वही मैं चीज़ बताना चाह रही थी, नहीं प्लेन में ही जाना है तो उनको भी वही आदतें ख़राब हो रखी हैं, लेकिन ट्रेन के जैसे बैठना उनको खिड़की में, बाहर ही जहाँ करें, बाहर क्या दिख रहा था, बादलों में वो क्लॉट में क्या ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रही थी कि शायद अभी कोई स्टेशन पर वो रुकेंगी गाड़ी, है ना, और चाय वाला आएगा, चाय चाय चाय, तो फिर कह देंगे अरे एक कप चाय दे दो ना, ये ढूंढना चाह रही थी खिड़की में बैठना, क्या ही पसंद था, क्या ही लग रहा था, बताना जरूर, ठीक है। अब झूठी का मुझे एक सीन और समझ में नहीं आता कि जब तुम सो रही हो, कैमरा ऐसे है, तुम सो रही हो तो सोते सोते अचानक से आंख खुलती, अरे मैंने कैमरा ऐसे पकड़ा हुआ, मेरा नींद से बुरा हाल है, मैं सो गई थी, है ना। कौन बनाता है सोते हुए वीडियो, मुझे ये समझ में नहीं आई। अब तुम वहाँ गई हो ना, अब आते हुए भी तुम बहुत कुछ लेके आ सकती हो। अब ऐसा ना हो मंगाया तो मैंने दे ही था, लेकिन इन्होंने तो मिष्टी तो ही दे दिया। मैं बोरियत भरा अपना एपिसोड नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ के खाने बहुत ही अच्छे हैं कोलकाता के। अब ये पता नहीं है ये कोई माछी झोल ना खाया है, है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वहाँ की पूरी सब्जी बहुत 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 यम्मी है यार। मुझे तो पुरानी यादें अपनी याद ताज़ा हो गई हैं, ठीक है। चलो
एक चीज़ बताती हूँ, बड़ा ही रिफ्रेशिंग था एपिसोड मेरे लिए। रिफ्रेशिंग इसलिए लगा क्योंकि मेरी कुछ ओल्ड मेमोरीज वहाँ से जुड़ी हुई हैं, मेरी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, इसलिए काफ़ी रिफ्रेशिंग था, है ना। अब ये गोलगप्पे खाती नहीं है, लेकिन वहाँ का पुचका खाना बिल्कुल ना भूलना, पुचका खाना, वहाँ के नारियल पानी भी पीना, अच्छे लगेंगे तुम्हें। यही बता रही हूँ मैं तो झूठी को। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी नन्नू के ऊपर भी। नन्नू की भी तो ट्रिप प्लान हुई है ना, नन्नू भी तो जा रहा है, नन्नू को भी तो जाना है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता रानी के वहाँ पे जाना है ना। लेकिन एक पॉजिटिव सा एपिसोड देते हुए नन्नू ने वहाँ पर एक बात भी सबके सामने ये रखी जरूर है कि देखिए, घूमने फिरने से, शॉपिंग करने से सिर्फ आप जो है लाखों का खर्चा कर सकते हो, अपनी जेब ढीली कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको आत्मिक शांति सुकून नहीं मिल सकता, है ना। कुछ देर के लिए आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, क्लियरली बताना चाहती हूँ मैं भी यहाँ से, कि आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है लेकिन आपका डिप्रेशन दूर नहीं हो सकता। बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे कि मैं पुत्तन की बात कर रही हूँ, और नन्नू भी कहीं ना कहीं अपने ही एपिसोड के जरिए जो है एक मैसेज उसी को दे रहा था, ठीक है। तो यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब ब्रेकअप हुआ था पुत्तन का, जब से कह रहे हैं कि भैया इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन इसकी जो फैमिली है उनको ये चीज़ पता ही नहीं लगती, उनको समझ में ही नहीं आता, उनको लगता है शॉपिंग करने से, ये अकेले रहने से ये जो है खुश रहेगी। बहुत पहले से ये जो गुलाब चंद है, इसकी शादी से पहले से कह रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी फैमिली में मसरूफ़ हो जाएंगे, जब पुत्तन तुम्हें समझ में आएगी। लेकिन पुत्तन को तो इसलिए समझ में नहीं ना आ रही क्योंकि उसका IQ लेवल ही ज़ीरो है। ये मैंने स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट डे से ही बोला है ना, वो उसका अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर सकती। उसकी वजह यही है कि जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाए तो रोशनी छुप जाती है ना, इस समय उसके साथ वही सीन हो रखा है। अब वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि मूड स्विंग हो गए हैं, वो उदास बैठी है, चलो थोड़ा सा पुलके इस पार ले जाए। भैया आप उसकी मेमोरी रिफ्रेश कर देते हो, ठीक है, वो चीज़ें करने से कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पर मैं कोई गुलाब चंद या चंपा और पुत्तन का कंपेरिजन नहीं कर रही हूँ, चंपा और पुत्तन का कोई कंपेरिजन है भी नहीं, है ना। क्योंकि चंपा अपने में ही, देखो एक बच्चा जो होता है ना वो भरे पूरे परिवार से आता है, उसके वैसे संस्कार होते हैं, जो अकेले रहते हैं उनके वैसे संस्कार होते हैं ना। यही सब चीज़ें हैं सबके सामने आ रही हैं। अब वहाँ पर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं चंपा भी तो उदास है कि भैया अभी तो नई नवेली शादी हुई थी, अभी नई नवेली शादी में ही साथ जो है छोड़ के भाग ली है ना, और उससे पहले नंद की तो चलो इतनी वो बात नहीं होती है कि वो चली गई थी झूठी के साथ, 1 month रह के आई है, इंजॉय करके आई है, चलो सास के साथ जो है बहू ने भी तो टाइम स्पेंड किया है ना। एक्चुअली में सास और बहू की आपसी जो है ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो उसमें वो उसका कोई सीन नहीं था पुत्तन का। लेकिन यहाँ पर ये सीन जरूर था कि सास जो है वो अभी से चली गई। अब यहाँ पर चंपा ये कहेगी मैंने ही मम्मी जी को बोला था, मम्मी जी जाओ, मम्मी जी घूम फिराओ, मम्मी जी आप इंजॉय करो, मम्मी जी आपने सारी उम्र ही तो काम किया। भैया सारी उम्र उसने काम किया, लेकिन उनको भी ये चीज़ पता है कि ये उनकी जिम्मेदारी थी। हम लोग भी ये चीज़ सोच रहे थे कि अभी तो बधाई लेने के लिए वो आए नहीं, है ना। अब वो आए, वो उन्होंने फ़ोन पर बात करते हुए क्या दिखाया, 2 बार वो वापस हो गए हैं, है ना। अच्छा एक चीज़ और है, मरासी भी आते हैं, वो भी नहीं आए इनके यहाँ पर कुछ ऐसे शगुन वगुन लेने के लिए, है ना। अच्छा बधाइयाँ तो वैसे मैं गिनाती ना, उनको बहुत बनती थी उनकी, एक तो अपन नया घर बना है उसकी बधाई, मम्मी जी रिटायर हुई हैं उसकी बधाई, और यहाँ पर लड़के की शादी हुई है उसकी बधाई, है ना। कितनी तो बधाइयाँ बनती थी, दी इन्होंने एक ही बधाई है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी वो जाते हुए आशीर्वाद देके गई हैं कि अगली बार आए, अगली बार मतलब साल बाद आए तो भैया अब एक और बधाई बनने वाली है गुलाब चंद की ओर से, तो शर्मा आ गई ना वहाँ पर चंपा, है ना। लेकिन मैं फिर वही बात आप लोगों को थोड़ा हंसी मजाक में ले जाती हूँ इधर से उधर, लेकिन बताना चाहती हूँ पुत्तन और चंपा का कंपैरिजन नहीं है। पुत्तन चंपा जो है एक भरे पूरे परिवार से आई है, हम एक नॉर्मल फैमिली जैसे होती है वो वैसे ही नॉर्मल है। अपने घर को वो देखो, शादी करके वो यहाँ आ गई, ये उसका घर है, उसको सजाना संवारना उसको अपने हिसाब से है। जब किचन में उसको काम करना है तो अपने ही तरीके से वो सब सामान रखेंगी करेंगी, लेकिन उसको जो बताया जा रहा है ना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके मुँह से वो बातें निकल जाती हैं, चाहे वो टॉन्टिंग में भी कह लो या फिर कह लो कि उसके मुंह से निकल गई ये बात कि देखो बाकी सासों जैसे नहीं है कि वो चीज़ इधर से उधर नहीं रखने देती हैं, ये नहीं करने देती हैं।
तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि पुतन की सास के लिए बोला जा रहा है ना। क्या वो ऐसे करती थी, क्या वो सामान अपने तरीके से सजाने संवारने नहीं देती थी? अब यहाँ पर ये भी बात आती है, क्या पुतन ने वैसी जगह बनाई जैसी ये चंपा बना रही है अपनी जगह, है ना, ये भी बात है। अब चंपा को तो हेल्पर भी मिली हुई है, पुत्तन इंडिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड को, पहले आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाते, जब वो तुम्हारी सब बातें मानता चला जा रहा था तो उस समय अपनी बातों में लेकर आती ना उसको, उसको समझाती तुम्हें हेल्पर की क्यों ही जरूरत है ना। लेकिन जब काम वो लोग खुद कर रहे थे, ठीक है, उस समय हेल्पर की तो कोई बात ही नहीं है, ये चीज़ें तो कहने वाली भी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर उदासी कह लें या नाराज़गी कह लें, मुझे तो नाराज़गी ज़्यादा लग रही थी उदासी से, क्योंकि पुतन की वो फेकनेस वाली हंसी जो है ना, वो जो हंसी थी वो हा 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 करके, जब आशीर्वाद मिल रहा था जोड़े को, है ना, चंपा और गुलाबचंद को, तो पुतन ने जो फेक वाली हंसी हंसी थी ना, बड़ी अजीब थी, ठीक है। और जी ऑन कैमरा है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि कब कहाँ पर कितना बोलना, पुतन को अभी तक यही नहीं पता लगा कि ऑन कैमरा उसने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किए थे, है ना, जिसमें वो अपने पति को भाड़े का टट्टू बोल रही थी, है ना, वो चीज़ें भी थी, जहाँ पर मदर इंडिया का बर्थडे जो है वो मनाया जा रहा था उस समय, तो यही कुछ अजीब सी हंसी थी ये हंस रही है ना। तो ये मतलब मेरे हंसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, तुम्हारा मन है तुम कैसे भी हंसो, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं हंस रहे हैं? ऐसा उन्होंने क्या कह दिया कि भैया यही कि अगली बार आएंगे तो बधाई लेंगे, है ना, बधाई बनती है, तो वो शर्म आ गई। तो तुम्हारी जो हंसी थी वो कुछ अलग ही निकल कर सामने है, क्या वो नई नवेली जो है उसके साथ कुछ अलग होगा जो तुम्हारे साथ नहीं हुआ, है ना। तुम्हारे यहाँ भी तो चिंटू हुआ है ना, तो उसके भी यहाँ पर एक कोई ना कोई तो हीरा मोती कोई तो होगा ना। तो यही वो बात है कि पुतन का तो सीन यही है कि उसकी फैमिली खुद को पढ़ी लिखी, स्पेशली वो मोटे अंकल जी, है ना, तो मुझे खैर अंकल जी कहना अच्छा नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं कहना चाहिए, अब मैं ये वीडियो में ही बोलना चाहती हूँ, है ना, मोटे ठीक है, वो हम ही नहीं कहते एक दूसरे को मोटा मोटी कहने की आदत उन्हीं की है, फ्लाइंग बिस्ट को फॉलो करने की आदत उनको है, ठीक है। लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि आपने डॉक्टरेट करी है ना, वो वाली उपाधि मिल गई है, तभी तो झूठी कहती है कि बड़ा प्राउड फील होता है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनको इतनी समझ नहीं है कि इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी ये अपने पहले ब्रेकअप से नहीं निकल पा रही हैं, है ना, जिनको कहा जाता था कि अरे मैंने उनकी फेस वैल्यू बना दी, उनको मैंने यूट्यूब चैनल ओपन करवा दिया, ये करा दिया, वो करवा दिया, वो यूट्यूब का ABC से भी उनका कोई मतलब नहीं है ना, वो वहाँ पर एक्टिव है, वो अपने काम में इतने मसरूफ़ हैं, उनकी रोटी रोजी जो है वो वहीं से चलती है, वो अच्छी खासी चल रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, है ना। तो पुत्तन तू तो घमंड में ही रह गई, ठीक है, तुम अभी पहले उस ब्रेकअप से नहीं निकली, है ना, अब झूठी जो है वो कह रही है कि मैंने पहले ही मना किया था इसको, कि पहले वाले का जो है जो ब्रेकअप हुआ उसको अभी इंट्रोड्यूस मत कर पब्लिक के सामने, लेकिन पुत्तन ने कर दिया, ये गलत करा, है ना, क्योंकि उसकी भी फेस वैल्यू बन गई, कितने नोट छाप लिए, कितने डॉलर छाप लिए झूठे उसने, है ना। तुम लोगों ने तो बहुत कुछ कहा किया, लेकिन नहीं। अब कुछ लोग ये भी कहते हुए मुझे नज़र आते हैं कि डिंपल दी पुत्तन को समझना चाहिए या नन्नू को समझना चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप ये देखो, मैं एक चीज़ आपके सामने रखी थी, ठीक है, कि 15% अगर नन्नू फैमिलीज की, जो कि नॉर्मल फैमिलीज में बातें होती हैं और हर घर की कहानी है, वही उसके घर की कहानी रही है ना, तो जिन्होंने 85% गलतियां करी हैं जहाँ स्टिल अभी तक कर रहे हैं, 2 महीने पहले चले जाएं, दूर मत जाइए, जहाँ पर पुत्र ने काला मुंह ये वो सब चीज़ें करी हैं, है ना। तो भाई यहाँ पर झुकने की किसको, मतलब आप देखो ना कहाँ पर रिश्ता बच सकता है, तो झुकना भी किसको चाहिए। अगर आपका रिश्ता बच सकता है तो आपको यही नहीं पता लगता कि भाई पुतन जो है और नन्नू जो है इनको समझाना पॉसिबल नहीं है, समझना पुतन की ही फैमिली को चाहिए। पहले तो वो काउंसलिंग करवाएं ताकि पुतन को पता लगे अपने पराए का, रिश्ते होते क्या हैं, रिश्ते बनते क्या हैं, उस चीज़ का उसको पता लगे, है ना। नहीं तो जो डिप्रेशन उसको खुद को है, जो वो परेशान है इस परेशानी में, अब क्या ही बोले, है ना, वो अपने घर का काम घर का काम घर का काम घर का काम, भाई कितना काम बताओ मुझे, कितना काम,
नो डाउट घरों के बहुत काम होते हैं, ठीक है। आप नॉर्मल रूटीन अपनी अयान मोम को देख लो, और भी बहुत सारी हैं उनको देख लो, देहरादून ब्लॉगर हैं उनको देख लो, वो काम करते हुए खुद को दिखाती हैं, वो बोलते हुए नहीं दिखाती, इतना काम इतना काम इतना काम इतना काम, ये सब चीज़ें नहीं करती है ना। तो ये चीज़ें तो इनकी ज़िंदगी में शायद वो रही ही नहीं, या फिर इनको वो चीज़ों की समझ ही नहीं रही। लेकिन पुतन का जो सीन है भैया, वो उदास है, उसके मूड स्विंग कर रहे हैं, पता नहीं उसको किस बात की नाराज़गी है। तो इसी चीज़ में ये सब लोग लगे पड़े हैं उसको खुश करने की कोशिश में। लेकिन इतना नहीं पता भैया, तुम लोग अपनी अपनी फैमिली में आगे बढ़ चुके हो, जूठी की ज़िंदगी में सैर सपाटे ही रह गए हैं, ठीक है। और अजीब अजीब सी कनेडा ऐसे कौन बात करता है, अजीब अजीब सी बातें वो करती हैं, जैसी भी करती हैं, खुश रहती हैं, अपने में मस्त रहती हैं। लेकिन जिसको उन्होंने अकेला छोड़ दिया है, उसके हालात पर छोड़ दिया है ना, उसको लगता है कि उसकी ये फैमिली उसके साथ है। भैया आज भी तुम संभल जाओ तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है ना। पुत्र को जब तक नहीं समझा सकते, जब तक कि उसकी काउंसलिंग नहीं होती, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग होगी फर्स्ट डे से ही उसको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाए। तो यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनों में ही रहकर फैमिली को ही ये चीज़ें देखने समझने ज़रूरत है, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि कहाँ उनके साथ की ज़रूरत है, कहाँ उनके प्यार की ज़रूरत है। अभी उसकी मदर को उसके साथ होना चाहिए था, उनकी मदर की ही सपोर्ट की और प्यार की ज़रूरत थी, ठीक है। मदर अपने चली गई हैं, चलो कोई बात नहीं, माता रानी ने बुलाया, माता रानी आशीर्वाद दे इसको, पुत्र के लिए मांगे वो वहाँ से कि सही हो, इसकी भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, इसकी भी लाइफ, ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, है ना। कुछ मुँह फट होने की वजह से अब यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि झूठी ने कहा था भैया मैं प्रेगनेंसी प्लान नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पेन से बहुत डर लगता है। ये जब की बात है जब पुत्र ने नॉर्मल डिलीवरी करी थी, क्योंकि सिजेरियन के लिए भी उन्होंने ऑप्शन रखी थी, तो पुत्र ने नॉर्मल डिलीवरी को चूज़ किया था, है ना। तो जी उस समय ये झूठी ने बोला था मुझे जी भैया डर लगता है, मैं तो अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करूँगी, मैं तो भैया अपने आप का ध्यान रखूँगी, मैं तो खुद की बॉडी को मेंटेन करके ही चलूँगी। अब क्या ही बोले वहाँ पर झूठी को, है ना। वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इस बेचारी दुकेली को अकेली कर दिया, सिंगल मदर बना दिया, है ना। सिंगल मदर को नहीं समझ में आती क्योंकि उसकी समझ ही जो है इस समय ब्लॉक हो रखी है। उसकी समझ खुलेगी जब खुलेगी, जब अभी तो उसको लग रहा है कि मेरे साथ सब हैं, सब शुभ कोई नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, दो से तीन होने दो गुलाबचंद को, सब उसमें बिजी हो जाएंगे, फिर तुम्हें और लगने लग जाएगा। ये साल के अंदर अंदर ही पुत्तन जो है मतलब सब जिंदगी में इनकी अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए लोगों को लगता है कि पुत्तन जो है वो डिप्रेशन में है, तो नन्नू का भी डिप्रेशन था जब वो रोता था यहाँ एपिसोड में आके, तो कहा जाता था कि वो जो है ड्रामे करता है, तो ये चीज़ें भी गलत है ना। एक बाप का रोना, एक पति का रोना, एक पत्नी का ऑन कैमरा जो है अपने ही पति को इनवाइट करना कि आ सकते हो बर्थडे पर, है ना। तो एक पति का भी जब ऑनलाइन यहाँ से बुलावा भेजा गया कि जैसे गई हो वैसे आ जाओ, तो चीज़ें तो कुछ भी किसी ने भी ठीक करने की कोशिश नहीं की, है ना। तो यही था मेरा अभी तक का कि मैं आप लोगों के सामने वो बात रख पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझे होंगे सब बातों को, कि यहाँ पर कोई एक पक्ष के लिए ना ही बोले, कि एक पक्ष में जो पुत्तन है तो पुत्तन को इस समय अपनों की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, और काउंसलिंग की सबसे पहले तो जो है काउंसलिंग की ज़रूरत है, है ना। लेकिन पुत्तन के द्वारा की गई जो चीज़ें हैं बातें हैं वो कोई नहीं भूल सकता, वो भी बात है। इन सब चीज़ों को आप लोग भी समझें, दो महीने पहले ओए बाप तो कितना कुछ मेंटली टॉर्चर किया गया, कितना कुछ कहा गया, सोशल मीडिया के थ्रू ही वो सारी चीज़ें बातें रखी गई, ओए मिस्टर ये झूठी ने, चलो भूल जाओ सारी बातों को, ठीक है, काउंसलिंग करवाओ इसकी, ताकि इसको समझ लगे कि इसने क्या गलतियां की हैं और आगे इन फ्यूचर ऐसी गलतियां ना करें, है ना। बाकी ये नहीं है कि पुत्र का डिवोर्स हो रहा है, बहुतेरी लड़कियां ऐसी हैं जो सिंगल मदर हैं, बहुतेरी लड़कियां ऐसी हैं जिनके डिवोर्स हुए हैं, भगवान ना कब्र करे कभी ऐसा मिसमैच सी मैरिज हो कभी किसी की, है ना, तो डाइवोर्स तक की नौबत आए। लेकिन अगर लाइफ में ये सब चैलेंजेस मिले हैं तो एक्सेप्ट भी करो, है ना, क्योंकि ये चैलेंजेस भी तो खुद ही ले रखे हैं,
तो बस यही कहना चाहती हूँ। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।